भिंडी बनाने का न्यू तरीका। बिल्कुल पहली बार मैं इस तरीके से भिंडी बना रही हूँ और देखते हैं कि भिंडी का टेस्ट जो है आज कैसा बनता है। भिंडी जो है माशाल्लाह मेरी रेडी हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ नादिया, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नादिया विलेज फूड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इस चैनल पे आपको मज़ेदार की रोज़ की वीडियो मिलेंगी, रेसिपी की, और बहुत ही प्यारी डिश होगी। और आपने मेरे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है भिंडी की, और भिंडी किस तरीके से बनाई जाती है वो भी आपको दिखाते हैं कि आज की भिंडी कैसे बनती है। भिंडी को जो है मैंने पहले अच्छी तरह से धो के रख दिया था, अभी जो है मैंने काटना शुरू कर दिया है। और ज़्यादा भिंडी को जो है बारीक नहीं काटना और ज़्यादा लंबी भी नहीं काटना। जिस साइड पे साइज सा मैं काट रही हूँ बस इसी साइज पे काटनी है भिंडी। और ये भिंडी जल्दी से काट के फिर आगे का जो भी होगा, ये कैसे बनती है, तैयार होती है भिंडी, वो आपको दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी जो है मैंने काट कर लिया है। और ये हैं सब्ज़ मिर्चें, अभी सब्ज़ मिर्चों को काटती हूँ। और जो है फिर सामान वगैरह यहाँ पर इकट्ठा करूँगी और दिखाऊँगी कि भिंडी की रेसिपी आज कैसे बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो है हम ये भिंडी ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो है ये सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने काट के रखी हुई थी, ये भी इसके अंदर हम डाल देते हैं। और उसके बाद ये हल्दी, ये भी हम डाल देते हैं। और इसके साथ जो है ये हमने रखा है थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि इसको ना अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और ये है थोड़ी सी हमारी लाल मिर्च, ये भी हमने ऐड कर देनी है। और उसके बाद आ गया ये हमारा नमक, जितना भी हमें चाहिए होगा हम उतना यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये आ गया हमारा बेसन, और इसको भी हमने इसके अंदर डाल देना है। और बेसन के बाद हमारी बारी आती है, ये रखा है तकरीबन चाय के 2 चम्मच दही, ये भी हमने इसके अंदर मिक्स कर देनी है। और हाथों से ना हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। ये मेरी भिंडी जो है अच्छी तरह से ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है, ये देखें भिंडी कैसे मिक्स हुई पड़ी है।
और इसी तरह आपने मिक्स करना है दही और जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल किया इसके अंदर, इसी तरह सब चीज़ें डाल के फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब मेरी बारी यहाँ पर आती है, ये रखी है मेरी कढ़ाई, ये अभी इसमें हम चूल्हे में आग जलाएंगे और कढ़ाई जो है ऊपर रखेंगे तो भिंडी बनाना हम शुरू कर देंगे। सिलेंडर हम ओपन कर दिया है हमने और यहाँ पर हम बैठ के जलाएंगे आग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आग जो है मेरी जल चुकी है, अभी बारी आती है कढ़ाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कढ़ाई जो है मेरी ऊपर आ चुकी है तो इसके बाद जो है हम इस कढ़ाई के अंदर ना घी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमें घी कितना चाहिए होगा तो ये आप देखते जाएं, इतना हमें घी चाहिए हो गया तकरीबन 1 कप होगा, आधा कप घी का। और घी जैसे ही गर्म होता है तो हम फिर बाद में ये भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी बनाने का न्यू तरीका, बिल्कुल पहली बार मैं इस तरीके से भिंडी बना रही हूँ और देखते हैं कि भिंडी का टेस्ट जो है आज कैसा बनता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, घी जो है हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम भिंडी ऐड कर देते हैं। अब हम भिंडी को ना अच्छी तरह से ऐसे घी में मिक्स कर देंगे इस तरह। और उम्मीद है मुझे कि मेरी भिंडी जो है बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और अभी जो है मैंने जैसे ही भिंडी ऐड किया है मुझे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है भिंडी की, क्योंकि ये जो तरीका है ना ये बहुत ही मज़ेदार तरीका है। और मैं तो पहली बार बना रही हूँ लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये भिंडी जो है ना बहुत मज़ेदार बनने वाली है। अब ये भिंडी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है घी में और इसको चम्मच ज़्यादा नहीं घुमाना, और जो है इसके ऊपर हमने ये ढकना दे के बंद कर दिया। और ठीक 1-2 मिनट बाद जो है मैं वापस आऊँगी और इसको चेक करूँगी कि भिंडी का क्या रिजल्ट है। अभी जो है हम चेक करते हैं भिंडी को कि कैसा इनका रिज़ल्ट आया है, और इसके अंदर हल्का हल्का सा हम चम्मच भी लगा लेंगे। अभी जो है ये देखें भिंडी के अंदर जो होती है ना वो चिपचिपाहट, बस ये पहले बहुत ज़्यादा थी लेकिन अभी ना ऐसा ऐसा ये कम हो रही है ये। और जैसे ये चिपचिपाहट इनकी ख़त्म होगी ना तो हमारी भिंडी रेडी हो जाएगी। अभी हम इसको दोबारा से ऐसे ही बंद करके खड़ा देते हैं तो फिर जो है बाद में देखेंगे कि ये चिपचिपाहट भिंडी की जो अंदर मौजूद है वो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई। अभी चेक करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है कि भिंडी हमारी बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि मसला हो गया था गैस जो है हमारा ख़त्म हो चुका था तो इस वजह से हम लेट हो गए हैं। तो अभी चेक करते हैं कि भिंडी जो है कैसी बनी है। वाह, बहुत ही मज़ेदार भिंडी जो है हमारी बन गई है। और कुछ कुछ हमारी बहनें कहती हैं कि भिंडी जो है वो हमारी टूट जाती है, कोई कहता है कि टेस्टी नहीं बनती है। तो ये देखें अब जैसे भी मैं चम्मच घुमा रही हूँ ना तो ये भिंडी मेरी टूट नहीं रही, बिल्कुल वैसी की वैसी है। और माशाल्लाह भिंडी तैयार भी हो चुकी है ये देखें, और इन्होंने कलर भी चेंज कर लिया है और रेडी भी हो चुकी है। और जिसको नहीं पता चलता कि भिंडी कैसे बनती है क्योंकि न्यू होती है, जो बच्चियां वो सीख रही होती हैं तो उनको कुछ मुश्किल होता है, तो नादिया विलेज फूड पर आकर ये देख सकते हैं रेसिपी का तरीका कि कैसे रेसिपी बनी जाती है। तो माशाल्लाह भिंडी जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। अभी हम सिलेंडर को कर देते हैं बंद और जो है भिंडी खाते हैं और कैसा टेस्ट इसका बना है। भिंडी जो है माशाल्लाह मेरी रेडी हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। तो जिस बहन भाई ने मेरे साथ भिंडी के साथ खाना खाना है, टेस्ट करना है, तो
वेलकम आ सकता है। और हम जो है अभी खाना खाना शुरू करते हैं और इंशाल्लाह वीडियो भी मेरी यहीं पर मुकम्मल होगी है। मिलोगे किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। फिलहाल इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।